नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्म सेतु में। आज हम आपको बताएंगे आम पापड़ कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों, मैंने लिया है 2 केजी आम। अब हम आम के छिलके और गुठली को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें। हम इस तरह से पीसेंगे कि उसमें किसी तरह का टुकड़ा ना हो। जब ये आपका लिक्विड तैयार हो जाए तो अब उसके लिए चाहिए हमें कढ़ाई, 300 ग्राम चीनी, 2 चम्मच नींबू का रस, और फिर इसको हम बनाना तैयार करते हैं। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम आम के लिक्विड को डाल देते हैं और उसको करीबन 25 मिनट तक इसको उबालते रहें। ख़ास बात का ध्यान देना होता है कि वो आम का लिक्विड आपके कढ़ाई से चिपके नहीं। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाएगा, तो इसको हम गाढ़ा करने तक इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यूअस। अब इसमें हम नींबू का रस डाल लेते हैं। नींबू का रस डालने के बाद आप देख लें कि यदि आपकी ग्रेवी थिक हो गई हो तो अब इसको हम आम पापड़ बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए थाली। थाली में के नीचे आप घी लगा दें ताकि जब आप इसको सूखने के लिए डालें तो ये आपके थाली से चिपके नहीं। घी को अच्छी तरह से एक परत लगा देंगे। उसके बाद जब ग्रेवी हमारा थिक हो जाए तो उसको उसमें डाल के अच्छे से सेटल होने के लिए छोड़ दें। अब इसको हम 2 दिन के लिए धूप में छोड़ दें। जब आप धूप में डालते हैं तो किसी पतले कपड़े से इसको ढक दें ताकि कोई गंदगी इस पर ना पड़े। यदि आप के यहाँ धूप नहीं हो तो आप इसको पंखे में भी 3 दिन तक सुखा सकते हैं। तो अब हमारा जो ग्रेवी है वो सेटल हो चुका है। अब इसको धूप में डाल देते हैं। अब मिलते हैं 2 दिन बाद। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा आम पापड़ तैयार है। अब इसको अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आप इसको जिस भी डिज़ाइन में कट करना चाहते हैं इसको कट करिए। देखिए, हमारा काफ़ी थिक तैयार हो चुका है। ये जो है थिन नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कम से कम 1/4 इंच ज़रूर हो। अब इसको हमने कट कर लिया है और देखिए, ये आपका आम पापड़ तैयार है। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। आप जिस डिज़ाइन में काटना चाहते हैं काट सकते हैं। तो आपका आम पापड़ तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।